हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम मानसिक रुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं, और एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मानसिक रुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार हम भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे पास में जो कॉमनली पेशेंट जो आते हैं उसमें की एक जो बीमारी है उसके बारे में। उसको हम बोलते हैं पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक मतलब अति भयंकर भीति, अति भयंकर डर, और उसका एकदम झटका आना अति भयंकर डर का, उसको बोलते हैं पैनिक अटैक। तो ये पैनिक अटैक जो है वो मानसिक बीमारी में आ सकते हैं। कोई किसको मानसिक बीमारी, उसमें वो पैनिक अटैक आ रहे हैं। और मानसिक बीमारी के अलावा भी ये जो फोबियाज है, अलग अलग सोशल फोबिया जो है, मतलब सामाजिक स्थिति में जाने का डर, या स्पेसिफिक कुछ तो भी फोबिया, एखादे घटना, एखादे प्रसंग जो है उसका डर, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, कोई ट्रामा हो गया वहाँ से डर, तो ऐसे अलग अलग जो बीमारियाँ उसमें भी पैनिक अटैक आता है। मतलब एक जो है वो मानसिक बीमारी में आता है, और दूसरा पैनिक डिसऑर्डर जो है जिसमें स्पेसिफिक फोबियाज है या पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है उसमें पैनिक अटैक आ सकता है। वो एक 10 मिनट का रहता है, 10 मिनट्स, और अति भयंकर डर, बहुत ज़्यादा डर रहता है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, मतलब होता क्यों है ऐसा ही? तो ऐसा दिखाई दिया है कि जो लोग गुस्सा सहन नहीं कर सकते, मतलब गुस्सा उनको जल्दी आ जाता है, कोई चीज़ छोटी मोटी रहे उसको गुस्सा आ जाता है, तो उनको पैनिक अटैक आते रहते, ज़्यादातर आने का संभव है, ऐसा नहीं कि आता ही है करके। दूसरा जो कारण है कि जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति से शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से दूर होना, मतलब माँ या पिताजी से बच्चा दूर हो रहा है। एक तो वो इमोशनली दूर है, भावनिक दृष्टि से दूर है, या फिजिकली शारीरिक दृष्टि से भी वो दूर कहीं है, और वो एक कारण हो सकता है पैनिक अटैक के साइकोलॉजी के बारे में। तीसरा है कि खुद के ऊपर बहुत बड़ी एक खादी जिम्मेदारी आ जाना, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं जिम्मेदारी सहन नहीं कर सकूंगा, तो एक साइकोलॉजी उसकी हो सकती है पैनिक अटैक आने की। फिर नेक्स्ट है कि माँ बाप बहुत गुस्से वाले रहना, माँ बाप ने बहुत बच्चे के दिमाग में डर बिठाना, उनके बारे में बहुत गुस्से वाले रहना, माँ बाप के सामने बच्चा एक्सप्रेस नहीं होता, खुला बात नहीं कर सकता, खुला काम नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि माँ बाप के सामने जकड़ गया है, बहुत डरा हुआ है, और या फिर उसको लगता है कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं मेरे माँ बाप से अलग हो जाऊँगा। तो ऐसे कारण यदि रहे तो ये पैनिक अटैक होने की संभावना है लोगों में ज़्यादा है। अभी हमको ये देखना है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करना, मतलब पैनिक अटैक जब आता है तो डर शुरू होता है और कुछ सेकंड के अंदर इतना बढ़ जाता है वो कि 10 मिनट के अंदर पूरा उसका, मतलब फुल ब्लोन बोलते ना ऐसा, उसका सिम्टम दिखाया जाता है, पूरा का पूरा दिखाया जाता है, एकदम 10 मिनट में इतना सारा ज़्यादा हो जाता है कि कंट्रोल के बाहर हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है 10 मिनट के अंदर शुरू होने के बाद में। तो इसमें 13 लक्षण है, वो 13 लक्षण में से 4 लक्षण यदि है तो हम बोल सकते हैं कि इसको पैनिक अटैक आया हुआ है। और वो लक्षण मतलब मामूली नहीं, बहुत ज़्यादा, कि जिसको वो सहन नहीं कर सकता व्यक्ति। तो उसमें पहला है कि छाती में धड़कन, सीने में धड़कन होना, और ऐसा लगना कि जो दिल की धड़कन है, दिल ऐसा बाहर निकल रहा है, धक 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 करना, छाती में धड़कन हो रहा है, दिल ऐसा बाहर निकल रहा है, ऐसा करना, इतना इतना ज़्यादा डर। नंबर दो, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना, पसीने से पुनः तर होना, पसीने से भीग जाना। नंबर तीन, हाथ पैर कांपना, पूरा बदन कांपता है, हाथ पैर कांपते हैं, ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डर उसको लगा हुआ ऐसा दिखता है। फिर वो छोटी छोटी सांस लेता है, ऐसा लगता है कि सांस उसको पूरी नहीं मिल रही है, उसको बार बार ऐसी छोटी छोटी सांस लेनी पड़ रही है, सांस कम पड़ रही है ऐसा लगता है उसको। फिर पांचवा जो है कि किसने अपना गला दबा दिया है या गला घोट दिया है, ऐसा सेंसेशन होना। फिर छठवा, सीने में दर्द, ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आ गया और बहुत ज़्यादा सीने में दर्द आना शुरू हो जाता है। सातवा, जी मचलाना, ऐसा नौशिया लगता है, ऐसा लगता है उल्टी हो जाएंगी, या पेट में ऐसा कुछ सभी गड़बड़ लगती है, पेट में गोला आ गया ऐसा लगता है। आठवा, चक्कर आना, चक्कर ऐसा लगता है कि पूरा घूम रहा है, या खुद का बैलेंस जा रहा है, खुद गिर जाऊँगा ऐसा
या स्थिर नहीं रहना या आंखों के सामने अंधेरा आ जाना। नौवा जो है वो एकदम ऐसी जगह लगना, ऐसा लगना कि अपन एकदम नई जगह आए हुए हैं और या अपन नए व्यक्ति कुछ तभी हो गए क्या, और नई जगह आ गए क्या, जगह को नहीं पहचानना। दसवां जो है वह है कि अपने खुद के ऊपर का कंट्रोल निकल जाएगा ऐसा लगना, या मैं पागल हो जाऊंगा ऐसा लगना। फिर ग्यारहवा है कि अभी मैं मर जाऊंगा, मतलब इतना सारा डर लगता है कि अभी मैं बस अभी मौत आने वाली है, अभी मैं मर जाऊंगा ऐसा लगता है उसको। उसको जो बारहवा है वो हाथ, ऐसा लगता है कि हाथ पैर सुन्न हो जाना, हाथ पैर में चिट्टियाँ आ जाना, नमनेस जिसको बोलते हैं ना, कि ऐसा कोई सेंसेशन नहीं लगना। और तेरहवा है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगना या बहुत ज़्यादा गर्मी लगना। मतलब ऐसे जो 13 लक्षण मैंने बताया, तो ये 13 लक्षण में से यदि 4 लक्षण हैं और एकदम चालू होने के बाद में एकदम 10 मिनट में एकदम जोर से वो 10 मिनट के अंदर ही पूरे लक्षण आ रहे, तो समझना कि इसको पैनिक अटैक आया हुआ है। अब लोग पूछते हैं कि भाई पैनिक अटैक तो आ गया मालूम है, मगर उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज यह है कि कुछ, अभी उस समय तो कुछ नहीं कर सकते, उस समय इतना ही है कि कुछ गोली अपने पास में रखना, और वो गोली जवान के नीचे रख दिया तो वो तुरंत पिघल जाती है और वो अटैक जो है वो कम हो जाता है, मतलब उसके सेंसेशन जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। तो वो हरदम किसी में रखना, ऐसा कुछ अटैक आ जाए तो लेना। और अटैक नहीं आए करके रिलैक्सेशन टेक्निक है, मैं हिप्नोथेरेपी करता हूँ, उसके सेशन लेता हूँ अलग अलग, और रिलैक्स होके वो अटैक का जो वो तीव्रता जो है वो कम करना। तो रिलैक्सेशन टेक्निक सीखना पड़ेगा, सेल्फ हिप्नोसिस सीखना पड़ेगा, उसके अलग सेशन होते हैं। आपको ऐसा कभी कुछ लगा तो कभी भी हमको संपर्क करो, वो सीखना पड़ेगा। मेरे अलग अलग वीडियोस हिप्नोथेरेपी के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सेल्फ हिप्नोसिस करके वो अटैक को आप टाल सकते हैं, या अटैक आ गया तो उसमें से छुटकारा पा सकते हैं। हमारा जो उद्दिष्ट है वो ऐसा है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको ऐसा अटैक आता है, तो उनको जरूर वीडियो शेयर करो, उनको इसका फायदा होगा और हमारा जो मिशन है उसमें आपका हाथ लग जाएगा। आपको अच्छा लगा तो जरूर ये वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो बेल आती है ना उसके ऊपर भी क्लिक करो, ताकि मेरे जो वीडियो मैं हरदम डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ जाएगा और आप वीडियो देख सकेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।